कोलगेट कीप इंडिया स्माइलिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में आज हम बात करेंगे। ये जो स्कॉलरशिप योजना है ये बीडीएस के स्टूडेंट्स के लिए है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। जीरो पीरियड में आज हम एक स्कॉलरशिप की जानकारी लेकर आपके लिए आए हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आप इस चैनल में तरह तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहते हैं, और उसी के क्रम में आज हम लोग बात करेंगे कोलगेट के स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में जो बीडीएस के स्टूडेंट्स के लिए है। आप इसके एप्लीकेशन के लिए या इसमें किस तरह से अप्लाई करना है उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल करा रहा हूँ, वहाँ से आप देख पाएंगे, वहाँ के थ्रू आप जा सकते हैं। और बडी फॉर स्टडी ये वेबसाइट है, इसके थ्रू आप जा सकते हैं। ये इनका पार्टनर वेबसाइट है जो इस तरह के स्कॉलरशिप्स की इंफॉर्मेशन देता है, और आप उसके थ्रू जा सकते हैं। थैंक्स फॉर बडी फॉर स्टडी टू प्रोवाइड अस द इंफॉर्मेशन। तो हम आगे बढ़ते हैं, आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको प्रोग्राम के बारे में बता दूं। ये प्रोग्राम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, कोलगेट कीप इंडिया स्माइलिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर बीडीएस स्टूडेंट्स 23-24, और इसकी डेडलाइन जो है वो 31 जनवरी 2024 है। मतलब 31 जनवरी से पहले आप अपना आवेदन सबमिट कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है। ये जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दिखा रहा हूँ सीधे वेबसाइट से दिखा रहा हूँ, ऑनलाइन मेरा स्क्रीन है और उस स्क्रीन के थ्रू ही आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसमें एलिजिबिलिटी के बारे में लिखा है, ओपन फॉर स्टूडेंट हु आर करंटली इनरोल्ड इन एनी ईयर ऑफ बीडीएस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी कोर्स। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी के कोर्स में अगर आप किसी भी साल में इनरोल्ड हैं, किसी भी ईयर में स्टडी कर रहे हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें एप्लीकेंट्स मस्ट हैव क्लियर्ड द 12th बोर्ड एग्जामिनेशन विद मिनिमम स्कोर ऑफ 60%। मतलब आपने हायर सेकेंडरी की परीक्षा मिनिमम 60% के मार्क्स से पास की हो। स्टूडेंट मस्ट बी इनरोल्ड इन अ रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट और प्राइवेट अंडर ग्रेजुएट बीडीएस इंस्टीट्यूट। एक बीडीएस इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइज्ड हो और वहाँ पर आप इनरोल्ड हो, ये ज़रूरी है आपके लिए। आपका जो एनुअल फैमिली इनकम है, वार्षिक पारिवारिक जो आय है, वो 8 लाख से नीचे होना चाहिए। 8 लाख या 8 लाख से नीचे अगर आपकी आय है तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे और आप आवेदन कर पाएंगे। और दूसरा, ओपन टू इंडियन नेशनल्स ओनली। तो ये तो एक सिंपल से 4-5 पॉइंट्स का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैंने आपको बताया। अब इसके जो बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या होंगे वो भी मैं आपको बता दूँ। तो इसके बेनिफिट्स हैं, इसमें ₹75,000 आपको मिलते हैं, और ये जो स्कॉलरशिप है उसके बारे में बताते हैं। द स्कॉलरशिप फंड इज डेजिग्नेटेड सोलली फॉर कवरिंग एकेडमिक रिलेटेड एक्सपेंसेस इनकम्पेसिंग आइटम्स सच एज ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, फूड, इंटरनेट एक्सेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, लैपटॉप, टेक्स्ट बुक, स्टेशनरी एंड ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल्स। अब आप जब इसमें आवेदन करेंगे, एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बता दूँ आपको एक फ़ोटो आईडी कार्ड लगेगा, जिसको आप आधार समझ सकते हैं, आधार को इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लगेगा आपका, और फिर इनकम प्रूफ लगेगा। इनकम प्रूफ के लिए आपको फॉर्म 16A या इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, बीपीएल सर्टिफिकेट, सैलरी स्लिप एटसेट्रा एटसेट्रा, जो पेरेंट का होगा, आपकी फैमिली के इनकम के लिए आपको शो करना होगा। प्रूफ ऑफ एडमिशन, आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया उस कॉलेज का या तो आईडी कार्ड हो या बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो। फिर करंट एकेडमिक का फी रिसिप्ट हो, आपने जो फी पे किया होगा इस एकेडमिक ईयर में उसका फी रिसिप्ट आपके लिए ज़रूरी है सबमिट करना। इसके बाद बैंक अकाउंट का डिटेल हो वो आपको सबमिट करना पड़ेगा, जो इसका जिसके नाम पर स्कॉलरशिप इशू होना है, इसका जिसके नाम पर स्कॉलरशिप रिलीज होना है, उसका एक कैंसिल चेक दे सकते हैं आप, और आप चाहें तो फोटोकॉपी भी लगा सकते हैं पासबुक की। मार्कशीट ऑफ ग्रेड कार्ड्स ऑफ द प्रीसीडिंग क्लासेस, आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो, जैसे बीडीएस के आप सेकेंड ईयर में हैं तो आपको बीडीएस फर्स्ट ईयर का और ट्वेल्थ का, ये दो मार्कशीट्स आपको लगाने पड़ेंगे। आप फर्स्ट ईयर में हैं तो ट्वेल्थ का मार्कशीट लगाना पड़ेगा, जो इस बात की तस्दीक करता हो कि आपने 60% मार्क्स के साथ अपनी हायर सेकेंडरी क्वालिफिकेशन पूरी की है। अगर आप डिसेबल हैं तो डिसेबिलिटी की सर्टिफिकेट्स लगेंगे। ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं, हाउ कैन यू अप्लाई, आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो आप जब इस वेबसाइट में जाएंगे तो ये नीचे ग्रीन में आप देख पा रहे होंगे अप्लाई नाउ, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको आगे का सारा प्रोसेस वहां से समझ में आ जाएगा।
फिर भी जो दो तीन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। क्लिक ऑन द अप्लाई नाउ बटन बिलो, लॉग इन टू बडी फॉर स्टडी विथ योर रजिस्टर्ड आई डी एंड लैंड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म पेज। एप्लीकेशन फॉर्म पेज में जाएंगे आप, इफ़ नॉट रजिस्टर्ड रजिस्टर एट बडी फॉर स्टडी विथ योर ईमेल मोबाइल आर जीमेल अकाउंट। आप बडी फॉर स्टडी के अकाउंट में लॉग इन कर लीजिए, आप वहाँ पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए, फिर आप इस प्रोग्राम में आप पहुँचिए। वहाँ पर आपको ये प्रोग्राम का आइकॉन मिल जाएगा, उसके थ्रू आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। फिर स्टार्ट एप्लीकेशन बटन टू बिगिन द एप्लीकेशन प्रोसेस, नीचे मैंने कहा अप्लाई नाउ, उसको आप क्लिक करेंगे। फिल द रिक्वायर्ड डिटेल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन एंड क्लिक ऑन प्रीव्यू। ये सारा प्रोसेस आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप अपना सबमिट का बटन प्रेस करेंगे, तो फिर आपको ये जानकारी पूरी हो जाएगी और आप अप्लाई करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो स्कैन करके रखे रहिए, वो आप अपलोड कर देंगे। अगर आपको किसी तरह की और इन्फॉर्मेशन हो तो नीचे आपको कॉन्टेक्ट में कुछ फ़ोन नंबर्स हैं और एक ईमेल आईडी भी है, आप वहाँ से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से मिल जाए। एक बार फिर मैं बडी फॉर स्टडी का थैंक्स करते हुए इस वीडियो को आखिरी मोड पर पहुंचा रहा हूं, ये बताते हुए कि कोलगेट के इस प्रोग्राम का जो पर्पज़ है वो क्या है वो थोड़ा समझ लें हम। कोलगेट कीप इंडिया स्माइलिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ कोलगेट पामोलिव लिमिटेड। ये जो पूरा प्रोग्राम है इसको कोलगेट पामोलिव स्पॉन्सर करता है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड सपोर्ट टू इंडिविजुअल हु कैन डिजर्विंग एंड मेरिटोरियस बट मे लैक द रिसोर्सेज टू परस्यू देयर ड्रीम्स। अंडर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन एनी ईयर ऑफ द बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। कोई भी युवा जो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी के लिए अप्लाई कर रहा है या पढ़ रहा है, अप्लाई नहीं कर रहा है बल्कि पढ़ रहा है, तो वो इसके लिए रजिस्टर कर सकता है। विल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव मॉनेटरी एड ऑफ ₹75,000, तो उसको 75,000 रुपए की मॉनेटरी एड मिल जाएगी इनके तरफ से, कोलगेट पॉपुलर की तरफ से। उसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है। आप अगर एलिजिबल हैं, आप अगर BDS की पढ़ाई कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको आवेदन करना चाहिए। और शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आप फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए जो मैंने लिंक्स बताए हैं वहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।